नमस्कार। टाइम्स टीवी द्वारा प्रसारित टाइम्स टॉक कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत। हम वीरेंद्र मन। आज हमरा सबके बीच में अतिथि छथि राजपा नेपाल के नेता पूर्व मंत्री सिरहासा प्रतिनिधि सभा के सदस्य राजकिशोर यादव। हिनका संगे हम सब विशेष कक राजपा के भूमिका की भ सके आब दिन में जे प्रदेश में सरकार बनल छे ओ सरकार में कते प्रभावकारी रूप से काज कर रहल छे ई लगायत के विषय वस्तु के हम सब केंद्र में राखि कर संवाद करब। सबसे पहले स्वागत करी राजकिशोर जी के। राजकिशोर जी स्वागत। धन्यवाद। अपने से हम सब संवाद ए हिसाब से शुरू करी जे तीन तरह के निर्वाचन भेले आम जनता के ई रहे जे आप देश एकटा स्थिर राजनीति अवस्था में जते विकास के जते वास्तव में यह अवस्था में जा रहल छे देश या अन्य दोसर करवट लग रहल छे। सबसे पहले रमन जी अपने जो कहलिए निश्चित रूप से बहुत बड़का राजनीतिक परिवर्तन के बाद ये व्यवस्था आयल छे लेकिन जे ढंग से संविधान निर्माण हो जाए जैमे सब नेपाली जनता अपन स्वामित्व अपनत्व जे अनुभव करते अनुभूति करते से नहीं हो सकले। हम अपने के स्मरण करब चाहे छी कि संविधान जारी के दिन बखत अपने के ब्रिगंज में गोली चलित रहे और तीन टावे दिन हत्या हो गए नेपाल सरकार द्वारा। जनकपुर की स्थिति भी आ रहे लाखों जनता सड़क पर रहे। काठमांडू में दीपावली मनबित रहे और ब्लैक आउट रहे अरे जनता अपने के रुआवासी में रहे। ते द्वारे एहन जे खुन का संविधान है जे संविधान मधेसी जनता के खून से लथपथ रक्त रंजित संविधान है। राजनीतिक लड़ाई एखनो अपने के समाप्त नहीं भले बाकी है। ते द्वारे जे देश के इलीट ग्रुप है शासक जे समुदाय है ओकरा लेल राजनीति लड़ाई खत्म भ गेलै विकास के बात करे चाहे है लेकिन हमरा अहाँ के लिए खास कर अ देश में जो मूलधार से अलग थलग रहे चाहे वो मधेसी हुए जनजाति हुए दलित हुए ओकरा के लिए एखनो राजनीतिक अपने के लड़ाई बाकी है। ते द्वारे राजनीतिक रूप से अपने जो कहे कि तीन टा तरह के चुनाव भेले चुनाव कौन अवस्था में भेले से अपने सबके ज्ञात हेतु ते द्वारे एखनो अ संविधान के जब तक सब नेपाली जनता अनुभूति नहीं कर सकते कि संविधान हमर है जब तक नेपाली जनता के ये मुलुक हमर है और मुलुक में हमर सहभागिता है हमर साझेदारिता है हमर है अनुभूति नहीं कर सकते तब तक अपने के विकास के बात एगो गप भ सकैया एगो समुदाय विशेष के लिए वो निक चीज भ सकैया लेकिन समग्रता में नेपाली जनता के लिए एखनो अधिकार के लड़ाई बाकी है। वो लड़ाई जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक हम या नेपाल सरकार जो चाहे चाहे वो विकास के बात हो समृद्धि के बात हो वो अपने के पूर्ण नहीं हो सकते। ये लड़ाई अगर कब भ होते या वो भ रहा से अपूर्ण से एक नेतृत्व के करते तब अगर नेतृत्व तो निश्चित रूप से राजपा कर रहा थे है ना राजपा के और अपन शक्ति के संगठन के विस्तार कर पड़ते लेकिन एखन एगो जे पक्ष के हिसाब से अभी मुलुक में दूटा पक्ष के है यदि मुलुक के बनोट देखबे तो दूटा पक्ष है। पहाड़ में जकरा हमें और शासक वर्ग कहे छे पहाड़ों में ना विभेद है पहाड़ में आदिवासी जनजाति के अपने के समस्या है दलित के समस्या है एक प्रकार के समस्या है लेकिन नेपालीयता केंद्रीयता में एगो पहाड़ी वर्चस्व है तकर विरुद्ध में अपने के मधेसी है तकर नेतृत्व तो राजपा कर रहा है। ते द्वारे ये अधिकार संघर्ष के जे आंदोलन है या एगो पक्ष के सरकार से इतर के पक्ष या नेपाली राज्य सत्ता के इतर के पक्ष है ओकर मुकाबला राजपा ही कर सकते की फोरम से वो करते निश्चित रूप से फोरम वो छले लेकिन फोरम कतो ने कतो लड़खड़ा रहा है फोरम के पैर डगमगा रहा है फोरम के नेतृत्व तो कन्फ्यूज है फोरमो साथ में रहे और खुशी की बात है लेकिन चुनाव के बाद या स्थानीय चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद जै ढंग से फोरम के में विचलन अल तैसा शंका जरूर है लेकिन हमरा बुझे फोरमो यदि जे मुद्दा सब उठान के नहीं है यदि ओ प्रति ईमानदार है
तो फॉर्मूला विकल्प नहीं मधेश के एजेंडा उठावा बाहर विकल्प नहीं छे यदि फोरम के फोरमे के रूप में रह के है फोरम के एगो शक्ति के रूप में रह के है शक्ति की ओकरा राष्ट्रीय पार्टी बनने के चाहना है राष्ट्रीय पार्टी के मतलब कोनो आकाश सब उद्देश्य बात है राष्ट्रीय पार्टी के मतलब मधेशो राष्ट्रीय में है ना हम आई देश के जनता छी तो हमार आवाज बजना है और राष्ट्रीय से बात नहीं तो ओकरा राष्ट्रीय पार्टी बनी के राष्ट्रीय पार्टी हेबो करे राजपाशो राष्ट्रीय पार्टी है अई द्वारे आई अई संविधान के यदि अपने देखबे जकरा राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर मान्यता देने है ओई के तेसर शक्ति राजपा है फॉर्म तो चौथा शक्ति है तो मधेश के सवाल उठाना है जय जनता अधिकार में पुणे अधिकार विहीन के आवाज उठाना है और राष्ट्रीय बात ऐसे बात नहीं फॉर्म की है कि विचलन में कन्फ्यूजन भरल है उनका ओकरा पास में ई कन्फ्यूजन छै कि मधेश के जनता के पक्ष में आओ कि केपी शर्मा ओली के संगे सहकार्य कर आगा बढ़ो यह भी चलत छै निश्चित रूप से उनका ई छै ई जे बात के ना एगो बात है लेकिन वही मुद्दा के प्रति ईमानदार रहना ही दूसरी बात है उ जे जे ढंग के कम्युनिस्ट पार्टी के निर्वाचन के बाद जनमत एले और ओकरा लगलै कि अब 5 साल तक तो ई कम्युनिस्ट के सरकार रहते यदि हम मधेश के बात करै छियै लड़ाई के बात करै छियै तऽ लड़ाई हम कते दिन लड़ब नहि ना होइ छै ने सर अपने कनी स्पष्ट बजै छियै हरेक जगह कि एना तऽ भी भ सकै छै ना अपने सबके विचारधारा कनी डेमोक्रेट टाइप के फोरम के विचारधारा कनी कम्युनिस्ट टाइप के बाम टाइप के तै कारण से ओ बाम किताब में उभरे अपने सब डेमोक्रेट किताब में चली गेलै नै अइ द्वारे विचार से बड़का ये कुन सवाल कथि है कि विगत में उनकर वो रह ले। लेकिन आज के दिन में ओकर एजेंडा कथित आत्मनिर्णय के अधिकार के बाद वह केने रहे मधेश के स्वायत्तता के बाद वह केने रहे अइ संविधान के मानू ना विगत अधि पिछला लेटेस्ट अथी देखबे कई संविधान के पुनर्लेखन नहीं करते थे संविधान के हमने स्वीकार नहीं बजे वाला वह रहे तो इस द्वारे कहे के मतलब पति यही संविधान में जिया हाँ आंदोलन के लिए और आई के दिन में कोनो तात्विक भिन्नता नहीं है संविधान में कुछ नहीं हुआ संविधान है लड़ाई ककरा विरुद्ध में लड़ल नहीं है ओली एक पक्ष के नेतृत्व केने रहे कि संविधान में बदलाव नहीं हेतै दोसर पक्ष के नेतृत्व हमें कथि केने रहे संविधान में जना भी बदलाव करेबे संविधान संशोधन करेबे पुनर्लेखन करेबे नहीं तो संविधान के नहीं मानबे तै पक्ष के नेतृत्व हमें और केने रही ओहिमे फॉर्मो रहे तो आई की फॉर्म के हन एगो ज्ञान पला गेले या दिव्य ज्ञान प्राप्त भ गेले कि राइतो राइत वही जाकर जय ढंग के सहकारी करी के बात बोले ये बात में कतो नहीं कतो वो अपने के संघर्ष के मैदान से कतो प्लान तो नहीं भर वाले इससे दिखा रहा है लेकिन अपने सब पर एक ही आरोप है ना अपने सब किन कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में छे अई मामला में फोरम तक कम से कम सरकार में तो छै को कह रहल छी जे सरकार के संविधान संशोधन कराबक छी तो दू तिहाई पहुंचाबक ले हम सब के लिए अपने सब सेहो वह सोच कर गेली सरकार के समर्थन के लिए जे दू तिहाई पहुंच जते ने अपने के मांग पूरा भेले ने फोरम के मांग पूरा भेले कम से कम फोरम त सरकार में रहले एकटा राजनीति होय छै कार्यकर्ता के व्यवस्थापन सेहो कर सकले अपने सब त किछ नहीं कर सकले एकटा कर अपने के बात में अइ में लॉजिक है तर्क है आ निश्चित रूप से निर्वाचन के बाद हम यहाँ इस सरकार आके गणित के हिसाब से यदि संविधान संशोधन और पार्लियामेंट के भीतर से करवे के है वैधानिक रूप से तो का द्वितीय आई चाहिए और द्वितीय आई कम्युनिस्ट पार्टी लाई जय रणनीति अंतर्गत हम यार वोट देंगे समर्थन के लिए लेकिन एक पछाड़ी के बात रहे ये देखे वाला बात ये है लेकिन वही सब बड़का उद्देश्य रहे राजपा के जो रणनीतिक लाइन रहे कि जनता में एक प्रकार के जनमानस निर्माण भेल है कि केपी ओली आब देश के कया पलट करते बहुत बड़का विकास करते की नहीं करते कहियो पानी जहाज के बात करे तो कहियो अपने के मतलब बहुत बड़का सपना देखो नहीं रहे तो केपी ओली और केपी ओली के नेतृत्व के सरकार के असलियत की है अगर चरित्र की है अगर क्षमता की कह सके हमें अब साथ नहीं देते तो ये हल्ला करते ये तो कहियो विकास में साथ नहीं दे रहे ओहि द्वारा ये काम नहीं भेले ये साथ नहीं तो कहीं द्वारा संविधान संशोधन नहीं भेले तो असली चरित्र देखबे के खातिर सेहो हम यहाँ ओकरा साथ देलिए कि देखी जनता ये जो है कि कह सके कारण हम यहाँ देश के हित में देश की जनता के विकास के कोष में हम आज का प्रधानमंत्री प्रदेश सभा में आज का कह छथिन ई संविधान में कोनो त्रुटि है त आ कहो हम सचिव आवे के तैयार छ आ दिया
ई सब कोई तैयार नहीं छी। ई अवस्था से देश के विश्व के देख रहल छी, पार्लियामेंट में कतौ में जाकर बजै छी प्रधानमंत्री, ओहिठाम अपने सब के केना जे प्रधानमंत्री के पिछला घटनाक्रम सब देखबै ने तो प्रधानमंत्री के लोग आप सीरियसली नहीं लिए लगे। कोई टुके प्रधानमंत्री कहै छै, कोई चुटकीला कहै छै, प्रधानमंत्री का अभिव्यक्ति एते अपने के सामान्य अवस्था में आवे लगले कि लोग अगर सीरियसली नहीं लेलकै। आ जहां तक अपने कहलिए कि समस्या कथी है, हमरा बुझाइए हम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी जे कहलके तो आई के ऐसा दूटा अर्थ लगे। एगो या तो प्रधानमंत्री के ज्ञान नहीं हो विसर जाए, ऐ देश में इतने बड़का आंदोलन भेले, इतने बड़का लोग शहादत दिलके, संविधान लिखे बेर में हमें और हमारे जो समझौता भेले, या तो अगर स्मरण शक्ति खराब भ सकिए नहीं उनका रहे, या तो अगर समझ में कमी है। ऐ देश में 22 बुंदे समझौता भेले, ऐ देश में 8 बुंदे समझौता भेले, अई वे देश में 4 बुंदे समझौता भेले। ये खुनो हमें आओ यदि समस्या नहीं छले तो 2 बुंदे समझौता कैला कैलके बात बुझल ने, वो अही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समझौता भेले। तो ऐसा कथी देखा रहल कि प्रधानमंत्री कतु नहीं कतु अपने के एक प्रकार के विषय वस्तु से विषयांतर भक गप दक चाहे सरकार चल जाए की तो भ्रम फैलावा चाहे। हाँ मतलब गप मतलब की होते प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, वो इंस्टीट्यूशन है। नेपाल के क्रेडिबिलिटी के सवाल है, नेपाल के इंटीग्रिटी के सवाल है। प्रधानमंत्री के बोली के मतलब नेपाल बाजि रहा है, वो अहाँ के देश विदेश देख रहा है। प्रधानमंत्री कतौ ये बात बोझे है तो ऐसा की होते कि नेपाल और नेपाली के सम्मान में अपने के आँच अब ठेस पहुँचे। ते द्वारा प्रधानमंत्री अपने के देखने हुए दो चार गो अभिव्यक्ति जो बीच में हेल जा, कहियो पानी जहाज के गप दे, कहियो रोड खालो खुल्लू छे ओकर मंत्री सब जो बात हो, ये सारा विषय कथी है कि सरकार एक प्रकार के असफलता के ओर चल गए। चौतरफी मोर्चा में हारि रहा है सरकार, चौतरफी आलोचित भ रहा है। ये सरकार अहाँ के ने भ्रष्टाचार के नियंत्रण कर सकल के, ने महंगाई के नियंत्रण कर सकल के, ने जनता के अपने के सुशासन सुशासन और सुरक्षा का अनुभूति कर सकल के। अरे देश में एगो 13 वर्ष के बालिका बलात्कृत हो हत्या हो और आई 50-51 दिन भग गए, वो हत्यारा के पता नहीं लग सक पूरे राज्य पूरे सरकार। तो ऐसा ही सरकार के चरित्र, सरकार के स्ट्रेंथ, सरकार के काम करवाई किए थे तो अपने स्पष्ट हो। लेकिन अइ अवस्था में राजपा कते दिन संगे संगे रहते सरकार के साथ? देखो वीरेंद्र जी बात हमारे के बारंबार उठे, हम अपने के दो तीन आम जनता के जिम्मे ठीक छे, ये रणनीतिक बात है। हमें और सरकार के समर्थन कोनो लोभे लालच या कोनो खुशी खुशी नहीं देते। हम कहली था राजपा ये बड़ा विवेकपूर्ण निर्णय के लिए, अगर पछाड़ी के लॉजिक है राजपा के लोग की कह चले कि खाली विरोध करेला बनल पार्टी है, राजपा खाली ई जे है से विकास नहीं चाहे, राजपा खाली मधेश के मधेश मधेश मात्रे कहे। हमें अब सरकार के समर्थन दिखाओ, पूरे देश के जनता के ई प्रमाणित कर चाहिए कि इस सरकार के हमें मात्रे समर्थन नहीं, पूरे देश के जनतो साथ देते और कुछ करे वाला स्थिति में नहीं। ये और नलायक है, अगर वाला विजन नहीं है, अगर वाला डेडिकेशन नहीं है, अगर वाला दूरदृष्टि नहीं। तो द्वारे इस सरकार नहीं कह सकती काम, ये वो बात। दूसर बात, हमें अब सरकार के समर्थन करने विपक्ष के बेंच पर थी और सरकार के गुण और दोष के आधार आगे विरोध कर रहे थे। तो द्वारे इस समर्थन से कोनो बहुत बड़का जरा समर्थन कह के ओकर गलतो काम के समर्थन करती है ये वो बात रहते है। लेकिन हम यार आए ओकरा जे है से वो विपक्ष के जे भूमिका हो जाए, राजपा से कह रहा है राजपा के निर्णय आई देखे चाहे आइए के हमें और पार्लियामेंट के स्थगन करने चलिएगा। राम मनोहर यादव के हत्या में राज्य दोषी है, ओकरा पर छानबीन हो चाहिए। आई सभामुख जी रूलिंग करके कि पार्लियामेंट्री कमिटी बनते, ऐसे पहले निर्मला जी के निर्मला पंत के हत्या के बारे में बाजल रही है, महंगाई के बारे में बाजल रही, किसान के समस्या के बारे में हमें आवाज उठा रहा है। तो हमें सरकार के झकझोर रहा है लेकिन जनता जे ढंग से ओकरा वोट देने है, चाहे वो पहाड़ की जनता हो चाहे आइए की जनता हो, जनता के ये देखो चाहे थे कि और अहाँ वोट दक एक प्रकार के अहाँ सब फंस गए। हम यार विरोध के कारण विकास नहीं भले से ये कहे के मौका नहीं पवे, विरोध के कारण हम ये काम कर नहीं सकली से अगर कहे के मौका नहीं मिले। ते द्वारा राष्ट्रीय जनता पार्टी आखिर तक समर्थन के नहीं रह गई, फिरता के लेवे तो निश्चित रूप से जनता के कार्यकर्ता के शुभेच्छुक और के बहुत बड़ा दबाव है। हम यार अब जल्दी है एगो उपयुक्त समय में एगो निर्णय लेवे और इस सरकार से हमें और समर्थन फिर आंदोलन कर रहे
आंदोलन के विभिन्न स्वरूप है, आंदोलन के आवश्यकता पड़ते तो आंदोलनों में जेते, लेकिन अखन हमें इतना पार्लियामेंट में तेसरो दल छे, पार्लियामेंट में दबाव दे रहल छे, हमें इंटरनेशनल विभिन्न फोरम में अइ बात के सरकार के काम करवाई के बारे में आवाज उठा रहल छे, ते द्वारे आंदोलन के मतलब एकदम सरके वाला बात नहीं, आई जे के लिए वो आंदोलन है। निश्चित रूप से सरकार के गलत रवैया के बारे में हमें भंडाफोड़ करबे, अगरा उजगार करबे, जनता के जनचेतना मूलक कार्यक्रम सब चलेबे, जनता में अंतर्क्रिया करबे, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का हमारे जनता में। 3 गते के संविधान के कार्य दिवस मनाबे, विरोध दिवस, विरोध दिवस कार्य दिवस नहीं छे, नहीं छे विरोध दिवस छे। अपने सब संविधान के रक्षा करे के शपथ लेने रहिए ना सब पार्लियामेंट में, जखन मेंबर बना लिया अपने के? नहीं ये ना छे, अगरा प्राविधिक विषय पर मात्र नहीं जाओ, हमरा 2-3 टा विषय से जोड़ चाहे छी। राजनीति जे अगरा समग्रता में देखबे रमन जी, हमें चुनाव में के लिए तो हमें जनता के ई कहिए कि अई चुनाव के हमें और एगो विरोध के मोर्चा के रूप में उपयोग करबे, ई कोनो लोकल बात नहीं, स्थानीय दू में हमें के लिए तेसर में हमारे बाध्यता ही नहीं ले, पार्टी के अथी भले कि जा पर ले तो हमें के लिए खाली का विरोध करबे। अगर एगो कारण रहे, काठमांडू के जितने भी मीडिया रहे, जितने भी इंटेलेक्चुअल रहे, सिविल सोसाइटी रहे या राज्य द्वारा जे पोषित पालित रहे, से सब हमरा के बारे में की चर्चा कर के यार, तो अगर लोग जनते नहीं तो ई द्वारा यार काठमांडू में हल्ला करे, ई सब चुनाव में जीत सके, जीत सके तो ई द्वारा हल्ला करे, वो चीज हमरा के चीरे के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल में। तो राजपा आ के अई संविधान के बदलेबे, अई संविधान के संशोधन करेबे, अई संविधान के हम नहीं स्वीकारबे कह के जनता में गाल ली, हमें कोनो लुका छपा के नहीं गाल ली, ई संविधान मधेश के जनता के पक्ष में नहीं है, ते द्वारा एकरा संशोधन करे पड़ते, पुनर्लेखन करे पड़ते कि जनता में गिरी और जनता ओकरा मान रहे थे। वो जो जनता के जनादेश है वो कोनो कानून से कोनो एन से बड़का है, जे जनादेश हमारा जनता देने वो जनादेश लगा हमें काठमांडू के लिए, और हमें काठमांडुओं में जाके क्लियरली कहिए कि संविधान के कुछ एहन प्रावधान है जो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, हमें संविधान के पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करने चाहिए, और इस संविधान में हमारे असहमति है। अपने के मंत्री सब जहिया सब या 3 गते के संविधान के दिवस के दिन में जो कार्यक्रम होते सरकार द्वारा, उसमें सहभागिता जमते कि नहीं जमते? नहीं जमते, वो अपने के हमें और मंत्री के विभिन्न जिला में कार्य विभाजन के नीचे 2 नंबर प्रदेश के मंत्री सब विभिन्न जिला में विरोध के जो सभा है वो सभा के संबोधन कर ले जाते। चर्चा ये आ रही है सांझ में ब्लैकआउट करते हैं, ब्लैकआउट रहते चर्चा नहीं निर्णय रहा है राष्ट्रीय जनता पार्टी के, तो तखन तक कालो दिवस नहीं करबे, विरोध दिवस करबे, फिर ब्लैक आउट करबे, तो दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं नहीं है ना जे, ओकरा देखियो कालो दिवस और विरोध दिवस के अगर अर्थ मात्र कनी अगर की छे, कालो दिवस के जेना अइ पूरे संविधान के हमें और फेंकबे, नया संविधान लिखबे नया ढंग से स्थिति एखन नहीं है रमन जी, हमें और हाँ अपने निश्चित रूप से ऐसे संविधान के कुछ एहन पार्ट है जगह स्वीकार कर हमें छे संघीयता गणतंत्र लगाए बात गलत है ना, तो तई द्वारे हमें का विरोध ऐसे संविधान पर देखो विरोध है और सहमति है ओकरो जाहिर करबे, तो अगर खाली रूप में फर्क है लेकिन तरह ब्लैक आउट प्ले कार्ड प्ले के नाय कार्यक्रम आयोजन के नाय जे जे हेतै जिला लेवल में जे ढंग के हेतै वो कार्यक्रम हेतै, ओहि संविधान के हम यार जे काठमांडू में दीपावली मनौने रहे वही कार्यक्रम प्रति हमारे असहमति है जो विगत में भले ही अखनो है, हम यार ये बात तक क्लियरली वो कहलिए कि अगर पछाड़ी के लॉजिक ये है संविधान हम यार एकदम स्वीकार नहीं छो, अ संविधान में जब तक सहमति क के जब तक संशोधन नहीं हेतै, जब तक इस संविधान में हमारा और के हक अधिकार स्थापित नहीं हेतै, मधेशी के दलित के या महिला के अधिकार स्थापित नहीं हेतै, तब तक हमारे विरोध रहते, हमारे विरोध चाहे वो पार्लियामेंट में हो वो विरोध भर वाले चाहे जनकपुर में हमें। लेकिन एक तो बात देना चाहिए सर, जे अपने सब विरोध कर गए फोरम मौन रहते ओकर अखन देर पार्टी के निर्णय नहीं आयल छे, की तो मौन रहते की तो अहा के ओकर कार्यक्रम में सहभागिता हेतै दू एटा से विकल्प, तो लोग अपने सब पर नहीं हंसत जे मधेश केंद्रित गठबंधन करै छी आ ई रूप से अहा सब राजनीति करै छी? अगर एना बुझे पड़ते कि फोरम और राजपा दूटा दल है, देखियो एक केना की करे कि फोरमों के गलती के हिसाब राजपा देते तेन एगो मानसिकता बैठ गेले गठबंधन के जनता के हमर जनता जनता के बीच में होना आवश्यकता रहते टाइम में हमरा के ककरा जरे लड़े के रहे कम्युनिस्ट पार्टी के रोके के रहे बात बुझल गेले, हमरा और के कम्युनिस्ट पार्टी के आताताई जे दमन रहे तकरा विरुद्ध में जाय के रहे, तो हमरा एगो समझौता के लिए
हमें वही समझौता जो समझौता के लिए जरा अपना दोनों के बीच में समझौता भले दो पक्ष के बीच में तो जो समझौता जो हमें के लिए वही हमें आयो छे अहाँ यदि टहल जाए तो तकर जिम्मेवारी तो अहाँ के हो मतलब जनता तो अहाँ के वही के हिसाब किताब लिए चाहिए ओकरो हिसाब किताब या तो समझौते नहीं करूँ समझौता के लिए से गलती चले से तो गलत नहीं रहे ओकर परिणाम तो देखल के सब जनता कहल एक बगले मधेशी एक बगले कही जनता वोट दल उत्साह उत्साह जे मधेशी जनता के बारम्बार गुनाह सोरे छे कि हाँ नहीं मिले नहीं मिले तो राजपा पहल कदमी कल के मिल गए वही में राजपा का तो गलती नहीं कल के जे चीज मिल का हम यार प्राप्ति कर चाहिए वो प्राप्त भले जे चीज हम यार कहली जनता में वही में आइयो राजपा ईमानदारी पूर्वक तैयार है वही है दोसर पक्ष जो है अहा के वही में कनी बेईमानी कर बेईमानी तो नहीं कहियो कनी नीचा ऊपर तकरा हम वही रूप में अपने बेईमानी कर के से नहीं कहिए हम यार कोनो कहिए कि एखनो मौका है आओ अपना और संघर्ष के मैदान में जोड़े जोड़े चलो ये और पक्ष के राजनीति रमन जी अपना और हमरा और के एखनो फोरम हमर शत्रु नहीं फोरम फोरम कटप्पा भ गेलै रे उपेंद्र यादव निश्चित रूप से वही समय में उनका जो गतिविधि रहे से कटप्पा के रहे हाँ निश्चित रूप से जै ढंग से मधेश पर ओकर एजेंडा बोल के आयल ते दुआरे कहली लेकिन हमरा में कोनो व्यक्तिगत उनका प्रति कोनो कहबे जे या दुराभाव ऐसे नहीं हम ये चाहे छी जे ढंग से राज्य अपना के घेराबंदी कर रहे तो अपना सब भाई के मिलो पड़ते जे शक्ति सब मधेश के लिए ले रहा जी तक मिलो पड़ते नहीं तो अबे वाला दिन और कष्ट पड़ देते तो हम यहाँ तो प्रयास किए रहा छे सब कोई करो सब कोई मिलू नहीं तो अहाँ के अबे वाला दिन बहुत ही दुरावस्था हो वाला है और प्लानिंग कर रहे रणनीतिक ढंग से हमारा आगे घेराबंदी कर रहे हमारा आगे वो एक प्रकार के समाप्त करे के योजना कर रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी तो एगो पार्टी है जे नेपाली राज्य सत्ता ऐसी नेपाली राज्य सत्ता के नेतृत्व तक करे जे वो सरकार है लेकिन इस सत्ता जे है इस सत्ता निश्चित रूप से हमारा आके अपने भूमि पर अल्पसंख्यक बनाकर हमारा आके समाप्त करना चाहे तै के प्रतिरोध में ना राज्यपाल ले रहा है तै के प्रतिरोध में कल फोरम लगल छले ये कोनो फोरम के कहि के कि मिल के चले हाथो मले को जो अकरा सरकार में चल गेले तो बहुत बड़का पाप कल के से नहीं कह जाय छी मुद्दा नहीं छोड़ मुद्दा के कह रहल छी जे मुद्दा का छोड़ल हम सब तो एग्रीमेंट के लिए केपी शर्मा ओली सर कहिया हेतै करू ना तो ओहु ले यदि संविधान संशोधन के लेल वातावरण बनबो पड़े तो बनाओ ना दबाव दियो ना ओइ में राज्यपाल के आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल करते अकरा एना बुझो देखो घर फूटे दवार लूटे लेकिन एना एना एना, एना हो बुझला से ना अपने सबके आ फोरम के प्रदेश के अवस्था देखल जाए तखन के संबंध काठमांडू या अन्य आंदोलन के संबंध इ संबंध केन भगल छै साउस पुसो के झगड़ा वाला नै एकरा एना नै लिखत ई त राजनीति है वैचारिक वाला बात है देखो आइ हम यार काल अलग अलग छलिए लेकिन आइ मिल लिए एगो वातावरण बनले हम एखनो कहै छी ई लड़ाई जे है ई लड़ाई लड़ै ला खाली राजपा चाहते तब ई लड़ाई जीत जेतै से अवस्था नै ये पक्ष के लड़ाई चाहे वो फोरम राजपा के तो मिले पड़ते और के बाद हो नेपाली कांग्रेस में लागल हो कम्युनिस्ट पार्टी में लागल हो या इतर शक्ति में लागल हो इतर माने मतलब कोनो आरो दोसर दोसर पार्टी में दोसर सिके राव के सेवा मानल जा सके ये कौन निश्चित रूप से यदि सिके राव जी भी आई मुद्दा पर आब चाहे तो लड़ पड़ते ये लड़ाई लड़ पड़ते नेपाली राज्य सत्ता जे ढंग से एकांकी और एगो समुदाय के राज्य सत्ता निर्माण के लिए ये सत्ता के लड़ाई सीधा सीधा बात है नेपाल के देखो देखे में दोसर बात दिखाई सरकार फरकार दिखाई लेकिन हमारा के लड़ाई नेपाल जखने आई के मुंड में तो नेपाल एकल जाति भगल एक भाषा एक भेष एक समुदाय के राज्य है तकरा हम यार ध्वस्त कह ये बहु समुदायिक राज्य सत्ता निर्माण कर चाहे छी लड़ाई तै के लिए खाली एगो पार्टी राजपा हेतै या ई करते तो नहीं संपूर्ण समुदाय के मधेश के पत्रकार के बुद्धिजीवी के कर्मचारी के मधेश में लागल दोसर पार्टी के नेता के सो एकजुट हो पड़ते नहीं लड़बे अलग अलग रहे तो अबे वाला दिन हम जो देख रहा है अगर जो प्लानिंग है हमरा यहाँ के जेनोसाइड कह चेरा अपना और क्या भाषा जो बात अपना और कही रहा है नेपाल के राज्य में ये भाषा की उपस्थिति की अकरा यदि अपना और बेसी दिन में 70 वर्ष पहले मैथिल भाषा के अई मुलुक में जे खस भाषा है तकरा से बेसी समृद्ध रहे ई कोनो हम यार नहीं कहै छी डॉक्टर बाबूराम आचार्य जे भाषा भी छे उनकर लिखित इतिहास भी छथिन उनकर लिखित अथी छे
कि मैथिल भाषा ओहि समय में बेसी सम्मिलित रहे आई की भगले तो हमरा आज भाषा छीन रहले आई हमरा आज वेशभूषा लेकिन अपने सबके सरकार होई तो प्रदेश नंबर 2 में आम जनता के अपने सबके सरकार प्रति बहुत असंतुष्टि सुशासन दिस सरकार कदम नहीं करल छ भ्रष्टाचार में चुरम एकदम कही जकरा नेपाली में चुरलुम में डूबे को ई अवस्था छ सरकार अनुभूति नहीं करा रहल छ आम जनता के आ ए एमे यदि कतो कभी कमजोरी है निश्चित रूप से पार्टी के ध्यान आकर्षण तो ए पर करते लेकिन एगो की छ जनता के कुछ लोग भरमो छ रहल छ सबसे पहले तो बुझा कति प्रति प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक कार्य विभाजन नहीं भेल छ कोनो तेहन अपने के स्पष्ट क्षेत्राधिकार के विभाजन नहीं भेल छ ए कुन प्रदेश में कोनो काम नहीं भेल तो भ्रष्टाचार केना भ सकिय ये अपने के विपक्षी सब जे संघीयता नहीं चाहे छे या जे अइ शक्ति के बदनाम करे चाहे छे या बहुते अपनो साथी सब नहीं बुझि क जेना कोनो व्यक्तिगत असंतुष्टि होय छे तो ओकरा की भेल त के अथि कर छे पहिले त की छे कि जुमा जुमा 8 दिन भेलै ये कुन आगे प्रदेश ल कर्मचारी व्यवस्था पर निभाल छे प्रदेश के कार्य विभाजन निभाल छे अधिकार विभाजन निभाल छे तो कनी दिन अगर टाइम दियो ना बेनिफिट ऑफ डाउट कहि छे ना रह गेले कि एकरा के जे सब चीज स्पष्ट भ जते त खास कर राष्ट्रीय जनता पार्टी के अइ प्रदेश में सुशासन और विकास और जनता जरे जुड़ाव ये तीनटा के हम यहाँ नीतिगत निर्णय कका अपना अपना मंत्री सबके स्पष्ट निर्देशन दल देते और मंत्री को निर्देशन के भीतर रहकर काम करना पड़ते ये विश्वास हम दी बताई जी अही के लिए हम आइए पार्टी ऑफिस में जना काठमांडू में हमारे निर्णय के लिए कि प्रदेश लेवल में हमरा और के एगो प्रदेश के ऑफिस होए और वो प्रदेश व्यवस्थित होए ऑफिस जे छोटा मंत्री हमरा और के पार्टी सब कैबिनेट और राज्य लगाकर तो छह मंत्री हफ्ता के एक दिन पार्टी ऑफिस में जाए कार्यकर्ता के की गुनासो है ओकर की असंतुष्टि है वो व्यवस्थित ढंग से सुने और एगो सिस्टम बनवे ऐसे की है जनता और कार्यकर्ता के बीच में जनता और मंत्री के बीच में वो जुड़ाव है दूसर बात हम यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कमिटी बने हुए पार्टी के दो तीन टा नेता के राय का जे मॉनिटरिंग करते सरकार के काम करवाई की मंत्री सब कथी कर रहे वही के बाद हम यहाँ एगो अइ सरकार के देखे वाला पार्टी के नीतिगत है वो तो सर नीति जे दीर्घकालीन नीति से निर्माण है वही आगे इंटरनल फीडबैक देते ते दुआरे सारा विषय सब है लेकिन एखुन की भगल है कि एखुन लेकिन प्रदेश मंत्री के बात कहले ना कालखना है के अपने सब के पार्टी के अपने सिरहा के छत नंबर सब छै ता के वन मंत्री वन राज्य मंत्री हुनकर असंतुष्टि आयल छै जे मंत्री सब हुल के हुल एकटा एनजीओ के कार्यक्रम में जाकर भोज खाय लगै छै मनीष सुमन जी के समय समय पर अहा के असंतुष्टि अभिषेक कहियो काल के अहा के उपेंद्र महतो जी के असंतुष्टि अभिषेक मतलब कुल मिला के ही दिखाई दे रहल छै सरकार के काम काज के या मंत्री के काज काम के अपने पार्टी में संतुष्टि नहीं छै नहीं निश्चित रूप हम कहली ने अपने की भ गेलै कि स्मूथली रन निकल गे लोग के लगले मंत्री भेले तो मंत्री के तो बहुत काम हो देते साथी सब बुझबो नहीं सकल कि मंत्री सब के बाध्यता कथी है वो मंत्रियों के कभी कमजोरी रहले अपनो साथी सब अकरा पॉजिटिव इनिशिएशन ला कोई बात के बुझा नहीं सकल के अब अपनी देखाई जनता में बुझा बने सके हाँ। लोग फसले ना मंत्री सब जय रूप से अपन काम के जनता में बुझा बकता है इससे नहीं बुझा हां एकदम निश्चित रूप से ये अपने के जो अनियोलता है अगर काम के काम नहीं बढ़ले मंत्री ला काम नहीं भेटले मंत्री ला कोनो तेहन वैधानिक अवस्था नहीं जे करे के तो लोग के लगे कि मंत्री तो भले काम काम करले बात बुझल गेले नहीं बीच में जे है मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग लगा के छि से ई मात्र जेना कोल के बात जे अपने राज्य मंत्री के बात करले सुरेश जी के बात कह रहल छी अब मंत्री सब के काम रहते तो जाई नहीं सके छले अब मंत्री सब मंत्री है ओका कोई इनविटेशन दल के काम नहीं है वो चले चले जीव के कार्यक्रम बात हो गेल शेष अब आई और में कनी सुधार करो पड़ते मंत्रियों सब ई बात ई समस्या छे अपन साथी सब के कलीग सब के माननीय जी सब की बात बुझबो पड़ते और वही थ्रू जनता में जा पड़ते हम यार ओत ले रहल छी कोनो प्रदेश और केंद्र के बीच में जे कार्य विभाजन हो जाए अधिकार के बांट फाट हो जाए रिसोर्स के बांट फाट हो से निकाल के ये बात हमारा आगे बुझ दिए पड़ते देखियो हमारा आगे पाछू एगो बहुत बड़का विपक्ष लागल है जे ये प्रमाणित करना चाहे कि ये देश में संघीयता फलिफाप नहीं भर रही ये ठीक नहीं यदि ये चीज के मानसिकता वो बना दल के परसेप्शन निर्माण कर दो तो वहां संघीयता खाई ला सही लोग ये एकदम क्रम में ये रणनीतिक हिसाब से अपने देखने में नेपाल के एस्टेब्लिशमेंट है वो लागल है बुद्धिजीवी सब जे काल तक केंद्रीकृत राज्य सत्ता से फायदा लाल जे से सब लागल है ओई द्वारा हमरा आगे कनी विशेष सतर्क रह पड़ते हमरा आके ओई में सजग रह पड़ते नहीं तो
कहियो काल अपने कारण सँ दुश्मन के फंदा में अपना फैल जेबे। एहि दुआरे हम आग्रह करय चाहे छी कि एखन बहुत ज्यादा असंतुष्टि व्यक्त करे के अवस्था नहीं है। ई औते समय जब गाँव के अधिकार भेट जेते सब चीज स्पष्ट भ जेते तो काम करे पड़ते काम करे ला पठौने पार्टी हिसाब किताब देते। सब सब धन्यवाद समय के बताई गेल अपने जे विचार रखे के मौका दिले अपने लगायत संपूर्ण टीम के धन्यवाद देते। दर्शक मिल ई छले था राजापा नेपाल के नेता राजकिशोर यादव। हिनका संगे हम सब पार्टी के गतिविधि अखन जे पार्टी एक विरोध दिवस मना रहल छै संविधान की तमाम विषय वस्तु के केंद्र में राखि के संवाद करब। कार्यक्रम केहन लागल देख के प्रतिक्रिया जरूर देब। बेस्त नमस्कार। Thank you.